एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। यहां पर भी मैं अगर ये चाहूं कि मैं वाई अलग कर लूं तो वाई वाला टर्म अलग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। एक्स की पावर एन स्क्वायर का, हाँ एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ एक्स की पावर थ्री है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का जब यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्स स्क्वायर और एक वाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करूँगा, वाई को एज इट इज छोड़ूंगा, प्लस वाई का डिफरेंशियल करूँगा और एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ूंगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। ये कैसे होगा कि सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाई का जब मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो मैं इसको एक ब्रैकेट में डालूंगा, तो मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया और वाई का डिफरेंशियल करूंगा, तो वाई का डिफरेंशियल हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर मैंने क्या करा, वाई को एज इट इज छोड़ा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने करा एक्स स्क्वायर वाई को। फिर अगला आता है बेटा एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस का साइन लगाएं एक्स वाई स्क्वायर, इसमें क्या करें एक्स को एज इट इज छोड़ो और डी बाई डी एक्स कर दो वाई स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स कर दीजिए वाई स्क्वायर का, फिर प्लस फिर क्या करिए वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो और डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल कर दो, किसका एक्स का। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, तो पहले एक्स को एज इट इज छोड़ा और डिफरेंशियल करा किसका वाई स्क्वायर का, प्लस फिर वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा और डिफरेंशियल करा किसका एक्स का, ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का मैं पर डिफरेंशियल इसमें करूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला लगाया ना। हाँ जी एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, तो एफ एक्स मेरे लिए हो गया एक्स और जी एक्स मेरे लिए हो गया वाई स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और वाई था, तो यहाँ पर एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और जी एक्स हो गया वाई, तो पहले एक को एज इट इज छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल प्लस फिर दूसरे को एज इट इज छोड़ा पहले का डिफरेंशियल, समझ गए, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। ठीक यस सर, है, चलिए जी फिर मैं आगे चलता हूँ इसमें। अब आप नेक्स्ट देखिएगा कि ये हो गया, फिर लास्ट में आता है मेरा वाई क्यूब, तो इसका तो ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, तो वाई क्यूब का जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये हो गया, और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। 81 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट जब अकेला लिखा हुआ होता है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो 81 का डिफरेंशियल हो गया जीरो, तो ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड हो गया जीरो। अब देखिएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या करा थ्री एक्स स्क्वायर को तो लिख दिया एज इट इज प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखो इसको एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है बेटा टू एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाई इंटू टू एक्स, ये मेरा ये वाला हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो एक्स तो आएगा एज इट इज, एक्स तो आ गया एज इट इज, अब जब मैं डी बाई डी एक्स करूंगा वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर में मैं ये देखता हूं कि एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है वाई की पावर टू, तो जब एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है तो उसी तरीके से वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई, लेकिन फिर वाई भी तो है तो वाई को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो
तो मैं ये कहूंगा कि जब y की पावर 2 है तो इसका डिफरेंशियल, देखो मैं आपको एक चीज फिर से क्लियर बताऊंगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यहाँ पर 2x लिख दिया, ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x की पावर 2 थी तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की पावर 2 है तो 2x की पावर 2-1 यानी कि 2x, ठीक है, और फिर x भी तो है भाई, पहले तो मैंने पावर वाला फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करा, फिर उसके बाद x है तो x का डिफरेंशियल जो है वो बेटा यही तो होता है d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का जो डिफरेंशियल है वो तो 1 ही हो जाता है। वन तो कुल मिलाकर अगर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशियल कर रहे हैं ना हम, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हमें ये करना होगा कि भाई आप पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और फिर जो x है उसका डिफरेंशियल करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x, ये करेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये एक्स क्यूब था, इसका मैंने सीधा 3x² लिख दिया, तो पहले मैं एक्स क्यूब पावर क्या है 3 है ना, तो एक्स की पावर 3, तो पहले एक्स की पावर एन वाला लगाया तो एक्स की पावर 3 का हो गया 3x², फिर एक्स का भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है तो उसको हम लिखते नहीं है। वही चीज आगे आपको ध्यान देनी है कि जब यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो पहले वाई स्क्वायर का करूंगा 2y और फिर वाई का भी तो करेंगे, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, ठीक यस सर, यस है बेटा, सर, ओके। तो फिर वाई स्क्वायर का हो गया 2y और 2y के बाद में ये तो वाई स्क्वायर का हुआ, फिर वाई का जब करेंगे तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है डिफरेंशियल, तो ये हो गया 1 प्लस, फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, जिस तरह से एक्स क्यूब का हो गया 3x², उसी तरह से वाई क्यूब का हो जाएगा 3y², तो पहले वाई क्यूब का करा तो वाई क्यूब का तो हो जाएगा 3y², फिर वाई का करेंगे, क्यों, पहले तो पावर का कर दिया तो पावर का तो 3y² हो गया, लेकिन फिर वाई का जब फर्दर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा ये हो गया 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है, अब मुझे इसमें क्या करना है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जितने भी ये क्वेश्चन, जितने भी ये लगातार क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी इसके पार्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो टोटल 6 टर्म्स दे रखी हैं, इन 6 टर्म्स में अब मुझे क्या देखना होगा कि जहां जहां पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसमें क्या करना है, एक तो इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरा इस टर्म में और तीसरा इस टर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले तो सारे आप एक जगह कर दो, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स जब हमने कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स इंटू 2y यानी कि 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और यहां बचेगा 3y² 3y², ये हो गया। उसके बाद देखिए बाकी के जो टर्म्स हैं, 3x² प्लस 2xy बचेगा यहाँ, और ये d बाई डी एक्स ऑफ x, x का x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल 1 होता है, तो 3x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2xy, और यहाँ बचेगा केवल y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये करने के बाद में अब मैं बाकी के जितने भी टर्म्स हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को छोड़ के बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y², इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इधर दिखाई नहीं देगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इनको लेगा इधर तो सब नेगेटिव के हो जाएंगे, तो माइनस ब्रैकेट में 3x² प्लस 2xy प्लस y². अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये यहाँ जाकर डिवाइड में चली जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x² प्लस
टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। बताइए बेटा सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा और बताइए और कहां पर डाउट है? बताइए बेटा इसके अलावा कहीं कुछ डाउट है या अभी ट्राई नहीं किया? नो सर, सर बाकी तो हो गए थे सारे। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा और दूसरा मैं ये कह रहा था आपसे कि लगभग ना पिछले दो दिन से लगातार मेरे जूम में प्रॉब्लम आ रही थी, जूम नहीं चल रहा था। तो दो दिन पहले भी जो आपकी जो मैथ्स की क्लास ली थी ना, तो उस दिन की कोई भी क्लास, पता नहीं वो रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई है या क्या प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग तो शो कर रहा है लेकिन इसी वजह से मैं लास्ट जो मैथ्स की क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज नहीं पाया था। तो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अभी मैं इसको ठीक करवाया है तो अब ये पूरी तरीके से ठीक है जहां तक है, जो मुझे लगता है अब रिकॉर्डिंग होने के बाद पता चलेगा, वैसे जहां तक है अब ये ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। और ये जो 5.3 है, अगर बाई चांस आप लोग नहीं भी कर पाए हैं तो इसको ट्राई कर लो, जहां दिक्कत आए वो मेरे से पूछना, उसके बाद देखिएगा। अगर लगता है कि 5.3 में कोई भी चीज नहीं आई है समझ में या इसको दोबारा से पढ़ना है तो भी बता देना, मैं आगे नेक्स्ट वीक में आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा तो उसमें मैं आपको ये कवर करवाऊंगा। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट है बेटा इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है, हम एक अलग मेथड देकर चलेंगे उसमें। देखिए इसमें ऐसा है कि ये हमेशा एक चीज, एक रूल होता है लॉगरिथम में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जो चीज है लॉगरिथम, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उसको मैं एक बार ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ऐसा होता है कि जब भी कभी हमें ये दे रखा होता है, मान लीजिए हमें ये दे रखा है कि साइन एक्स, या एक्स ना बोलकर आप थीटा बोल दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि मेरे को साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है और कोई मेरे से ये पूछे कि थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई अगर हमसे ये पूछे कि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो आप ये कहेंगे कि हाँ मैंने साइन का जो मेरे को टेबल है वो मेरे को याद है और मैं जानता हूँ कि साइन जो है वो 30 डिग्री पर 1/2 आता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अगर अगर मुझे ये पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मान लीजिए मेरे को कोई अजीब वैल्यू दे रखी होती तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, लिखने का तरीका क्या है वो समझिए। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो इसको मैं जानता हूं, तो ये ऐसे हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, हम ये कहते हैं इधर भी साइन, तो थीटा की वैल्यू सीधा सीधा 30 डिग्री हो गया। करेक्ट मेथड क्या है, जो ये साइन है ये इधर चला जाएगा, ये बेटा ऐसे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 30 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, इनवर्स से साइन, इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो केवल 30 डिग्री बचेगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर साइन लिखा हुआ है तो उधर जाकर वो बन जाएगा साइन इनवर्स, समझ गए? एक तरफ अगर साइन लिखा हुआ है तो वो दूसरी तरफ जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक, अच्छा उसी तरीके से हम लॉगरिथम को देखते हैं। तो देखो अगर मान लो मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल टू 2, मान लीजिए ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें भी एकदम से दिमाग में ये आता है कि एक्स इधर लिखा हुआ है तो उधर जाकर हो जाएगा लॉग इनवर्स 2, उधर जाकर हो जाएगा लॉग इनवर्स 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो log इनवर्स होता है ना, इसी को लिखने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ कि जब log इधर जाकर ये log इनवर्स बन जाता है तो बेटा इसको ऐसे ना लिखकर इसको हम लिखते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू e की पावर 2, समझ गए? log इनवर्स ना लिखकर हम उसको लिख देते हैं e की पावर 2। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। का जो उल्टा होता है इनवर्स, जिसको हम बोल देते हैं इनवर्स लॉगरिथम, तो उसको जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ऐसे ही इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन को बोला जाता है एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम का एंटी, एंटी यानी कि उल्टा, और उसको शॉर्ट में एंटी लॉग बोल देते हैं। तो एंटी लॉग लिखने का तरीका क्या होता है, ई की पावर में लिख देते हैं जिसका भी एंटी लॉग लेना है। मान लीजिए
टू का एंटी लॉग लेना है तो मैं उसको लिख दूंगा ई की पावर टू, मान लीजिए थ्री का एंटी लॉग लेना है तो ई की पावर थ्री। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस टर्म को, ये जो ई होता है इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म। अब हमारे पास तीन अलग अलग तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तीन अलग अलग तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब वो जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो क्या है वो देखिएगा। इसमें ऐसा होता है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये मिटा दूं इधर से, यस है सर। ना, ये मिटा रहा हूं, बस ये समझ लीजिएगा कि लॉग का जो उल्टा होता है उसी को हम बोलते हैं एंटी लॉग, लेकिन लिखते कैसे हैं ई की पावर की फॉर्म में। जैसे मेरे को लेना है फाइव का एंटी लॉग लेना है तो उसको मैं लिखूंगा ई की पावर फाइव। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे, एक कैटेगरी तो ये होती है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन एक कैटेगरी तो ये हो गई। जब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये आ जाता है बेटा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है बेटा ए की पावर एक्स, ए कोई कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स नहीं, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, हम फॉर्मूलों में लिखवा चुके हैं ये, लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 करने वाला हूँ उसमें हमें तीनों तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए कि इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो देखिएगा ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल हो गया ए की पावर एक्स लॉग ए, और थर्ड कैटेगरी है ई रेस टू द पावर एक्स। अब समझिएगा ई रेस टू द पावर एक्स का मतलब क्या है, ये जो ई है ये भी तो एक टर्म है, द एक्सपोनेंशियल टर्म। बेटा ये तीनों हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म ई स्मॉल ई लाइज बिटवीन वन एंड टू। इसकी फिक्स वैल्यू क्या है किसी को नहीं पता, बस ये पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ई की वैल्यू वो ई वन और टू के बीच में कहीं लाई करती है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये जो ई है ये है तो एक कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट की पावर एक्स को हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ कांस्टेंट, मतलब ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ए। तो इसी तरह से ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ई। ठीक, अब मेरी समझाई हुई बात को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना, जब साइन इनवर्स है, ये क्या है साइन का इनवर्स, और इधर लिखा हुआ है साइन, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो साइन इनवर्स और साइन गायब हो गए ना, फिर बचा क्या, केवल 30 डिग्री। तो इसी तरीके से लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो गया। ठीक है, तो ये गायब हो गया तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये आ गया केवल ई की पावर एक्स। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है, ये लॉग है और फिर है एंटी लॉग, लॉग लॉगरिथमिक टर्म फिर एंटी लॉगरिथमिक टर्म, तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, जैसे साइन इनवर्स से साइन कट गया उसी तरीके से लॉग से एंटी लॉग नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ केवल कुछ नहीं बचा, केवल वन बचा, तो ई की पावर एक्स ही आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, और कायदे से देखा जाए तो ये भी इसी तरह से है कि e की पावर x log e, जिस जिस तरह से a की पावर x log a था उसी तरह से e की पावर x log e, क्योंकि log से एंटी log कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। समझ में आ गया सब बच्चों को, यस यस सर। सर ठीक है बेटा। तो ये तीन तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में ना डिवाइड करके दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले दोनों तो सेम है ना। तो इसमें अंतर क्या है, एक में देखिए बेटा एक्स बेस में है और कोई कांस्टेंट टर्म वो पावर में है,
और दूसरे में क्या है कि कांस्टेंट टर्म बेस में है और एक्स जो है पावर में है। तो आप ये देखिएगा कि या तो मेरे पास पावर में बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएं, जैसे एक्स की पावर 26, एक्स की पावर 72, एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 250, कुछ ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, तो तब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, अभी समझा दूंगा, 5 मिनट में आ जाएगा समझ में। या फिर अगर मुझे पावर में एक्स वाली टर्म दिखाई दे तब मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो ये जो सारी कहानी बताई गई, ये किस लिए बताई गई है, आगे जो है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आप समझेंगे। देखिए पेज नंबर 174, पेज नंबर 174, एग्जाम्पल नंबर 29। पेज नंबर 174, एग्जाम्पल नंबर 29। अब 29 में देखें, 29 में ये दे रखा है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है ई की पावर माइनस एक्स। मुझे जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको मैं वाई मान लेता हूं। तो क्या दे रखा है, एक तरह से देखिए वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो देखिए वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर मैं जानता हूं कि जब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो ई की पावर एक्स ही आ जाता है, तो जब ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन याद रखिए कि फिर मुझे एक तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, ई की पावर में एक्स था, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही हो जाता है। लेकिन फिर ऊपर जो पावर में लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ऊपर लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का करेंगे तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब देखिएगा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स है, तो जब एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 हो जाएगा। सीधी बात है कि माइनस जो है माइनस एक्स को मैं माइनस 1 इंटू एक्स ले सकता हूँ, जिसमें माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो सीधा सीधा है कि अगर एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है तो माइनस एक्स का माइनस 1 होगा। तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बताइए बेटा सबको समझ में आया कि नहीं? यस आलोक, सर, दृष्टि, एकांश, हर्षित, यस सर, सभी को क्लियर है? आर, यस सर, अभिनव, ऐश्वर्या, यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए जी, अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है साइन लॉग एक्स, सेकंड पार्ट है साइन लॉग एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर फंक्शंस जो है वो मेरे पास तीन है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा लॉगरिथमिक और तीसरा एक्स यानी कि नॉर्मल एल्जेब्रिक। ठीक है, क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग
एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, साइन का करूंगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो पहले साइन का कर दिया कॉस, फिर लॉग का कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर एक्स का करेंगे, तो वैसे दिखाने की जरूरत तो नहीं होती लेकिन फिर भी दिखा दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वन, तो इसको मैं कह सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट के बाद में बेटा थर्ड पार्ट देखेंगे, सभी को क्लियर है सेकेंड वाला भी? यस सर। हर्षित समझ में आ रहा है? हर्षित आवाज आ रही है मेरी? चलिए जी अगला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स देखिएगा, यहां पर मेरे पास कितने फंक्शंस हैं, यहां पर मेरे पास फिर से तीन फंक्शंस हैं, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e की पावर x, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला e की पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया, और फिर पावर में जो टर्म बैठी हुई है वो भी एक फंक्शन है, तो पावर में x बैठा हुआ है, तो केवल x है, तो x को मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब, x की पावर 4, ये सारे के सारे नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहां पर जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, ये हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है, कॉस इनवर्स एक्स का, ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब कॉस इनवर्स के बाद एक्स तो नहीं है ना, कॉस इनवर्स के बाद ई की पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, वन माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, फिर पावर में क्या है एक्स है, तो मल्टीप्लाइड बाई डी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर है? यस सर। एक आंच समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा कि ये मेरे पास हो गया, जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू हो गया टू एक्स, वन माइनस ई की पावर टू एक्स, फिर जब डी बाई डी एक्स करेंगे ई की पावर एक्स का, तो ये हो गया ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स जब एक्स का करेंगे तो ये हो गया वन, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस ई की पावर टू एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, वन टू थ्री फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट देखते हैं,
फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है e की पावर cos x, y इज इक्वल टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा y का हो गया dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ e की पावर cos x, ठीक है. अब आप देखिएगा कि इतनी प्रैक्टिस आप सब लोगों को हो चुकी है कि बार बार मैं d by dx ऑफ x करके दिखाऊं, जैसे यहां भी करके दिखाया, जैसे कि यहां भी करके दिखाया, वो करके दिखाना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि d by dx ऑफ x तो हमेशा वन ही होता है, तो उसको बार बार क्या करके दिखाना. तो आप ये समझिए कि यहां पर मेरे पास कितने फंक्शन है, एक तो e की पावर cos x, यानी कि एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर पावर में देखो क्या बैठा हुआ है, पावर में बैठा हुआ है cos x, तो एक हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. माना कि एक फंक्शन और है x, एल्जेब्रिक फंक्शन, लेकिन बार बार उसको करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका डिफरेंशियल वन ही आता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए. आप सीधा सीधा देखिए कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, dy by dx इज इक्वल टू, देखो जब e की पावर x होता है तो उसका डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होता है, सिमिलरली जब e की पावर cos x होगा तो उसका डिफरेंशियल भी e की पावर cos x ही होगा. तो ये हो गया e की पावर cos x, ये किसका हो गया, e की पावर cos x का डिफरेंशियल. फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय d by dx of cos x. और धीरे धीरे जब आप काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार ये भी लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा करते चले जाओगे आप. ये मिटा रहा हूं इधर से. देखिएगा अब d by dx of cos x, cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन x, ठीक है. इस तरह से मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ थोड़ा अजीब लगता है, तो माइनस साइन x को पहले लिख दीजिए, माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर cos x, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर कॉस एक्स. ठीक है जी, सभी को क्लियर इतना? यस. ठीक है, चलिए जी फिर मैं आता हूँ एक्सरसाइज 5.4 में. एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो शुरुआत वाले शायद आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ अभी आपको. मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर, पहले तो क्वेश्चन नंबर वन ही करवाऊंगा आपको. 5.4 का क्वेश्चन नंबर वन देखिए. एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x, तो इसको मैं y बोल दूंगा, फंक्शन को तो हम हमेशा y ही लेकर चलते हैं, तो y हो गया e की पावर x अपॉन साइन x, ये हो गया. अब आप ये देखें कि यहां पर दो अलग अलग फंक्शन नजर आते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल है e की पावर x और एक नीचे है साइन x, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं. तो डिवाइड होने का मतलब क्या है कि यहां पर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है. तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं. क्वेश्चन रूल क्या कहता है देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन रूल लगेगा यहां पर. वाई का डिफरेंशियल तो हो गया देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि एक तो डिनोमिनेटर का तो कर दीजिए बेटा होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का हो गया होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज, ठीक. और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है. चलिए जी बहुत बढ़िया,
अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी ई की पावर एक्स है, इधर भी ई की पावर एक्स है, कॉमन निकाला जा सकता है, ई की पावर एक्स ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, हर्षित, एकांत सर, सर एक बार फर्स्ट स्टेप वापस समझा दो। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बताता हूँ। देखिए हमने इसमें क्या करना है कि यहाँ पर मेरे को दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x और दूसरा फंक्शन दिया है यहाँ पर साइन x, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे कि e की पावर x है और साइन x है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स था तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। फिर न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखेंगे पहले, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन में, हाँ अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बताइए जी वंशिका, अन्नत, कनिष्का, क्लियर है? यस सर। यस सर। अश्विनी, यस सर। अक्षय, यस सर। यस सर, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने ये देखा और इसके बाद मैं इसमें देखूंगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखूंगा, जो मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत टिपिकल है वो बता रहा हूँ। सर सिक्स करवा दीजिए। सिक्स करवाऊँ? ठीक है, सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले। 6 में इसमें दिया है e की पावर x y इज इक्वल टू, एक बार 7 भी करा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बताता हूँ अभी। e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल टोटल 5 टर्म है। पहले में e की पावर x, दूसरे में e की पावर x स्क्वायर, तीसरे में होगा e की पावर x क्यूब, फिर चौथे में e की पावर x की पावर 4, फिर पांचवा है e की पावर x की पावर 5। तो देखिए 5 टर्म्स हैं टोटल, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ये है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया, dy by dx, e की पावर x का डिफरेंशियल पहले लिख लो, dy dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ये हो गया। तो अब dy dx ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होता है, चलिए ये तो हो गया। फिर e की पावर x स्क्वायर, तो जब e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो e की पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर। तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर, लेकिन ऊपर x स्क्वायर भी तो है, तो x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशियल यहां लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ऊपर पावर में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो e की पावर x स्क्वायर का तो e की पावर x स्क्वायर ही हो गया,
और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। अगला अगला है बेटा ई की पावर एक्स क्यूब, तो वो तो ई की पावर एक्स क्यूब आ गया, इसका डिफरेंशियल तो एज इट इज। और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। फिर e की पावर x की पावर 4, तो e की पावर x की पावर 4 का डिफरेंशियल तो यही हो गया e की पावर x की पावर 4। फिर x की पावर 4 का डिफरेंशियल तो मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ये हो गया। प्लस अगला टर्म है e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 का डिफरेंशियल e की पावर x की पावर 5 ही होगा। और फिर x की पावर 5 का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, ये हो गया। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया e की पावर x प्लस ये हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x प्लस e की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा, 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4x क्यूब, 4x क्यूब हो गया। e की पावर x की पावर 5, x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x की पावर 4। बेटा समझ में आ गया यहां तक सभी को? यस सर, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आगे चलता हूं मैं अभी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो dy by dx क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स की पावर 5। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद आप बोल रहे थे कि एक बार सेवंथ भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेवंथ वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है, अभी देखते हैं। इस तरफ करवा रहा हूं सेवंथ को। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है e की पावर अंडर रूट एक्स का होल अंडर रूट। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। चलिए जी इसको थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं। जो होल अंडर रूट है इसको मैं लिखूंगा e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। तो एक तरह से आप ये देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है कि पावर 1/2, फिर उसके बाद e की पावर रूट एक्स, ये दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, और फिर उसके बाद ये रूट एक्स है। तो रूट एक्स को अलग से, मतलब मेरे को तीन अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। तो जरा देखिएगा कैसे कैसे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब वाई को करेंगे तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, फिर ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ फिर रूट एक्स का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बताइए जी यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर।
ठीक है। अब जरा देखिए ये जो 1/2 -1 है ये क्या होता है, -1/2। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/2 ई की पावर रूट एक्स की पावर -1/2, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स, जब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है तो ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर रूट एक्स ही होगा, तो इसका डिफरेंशियल आपके पास सीधा सीधा ई की पावर रूट एक्स आ गया। और बेटा रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 √x, तो ये हो गया 1/2 √x। अब ये जो पावर में -1/2, ये नीचे आके 1/2 बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√x/(1/2). ये वाली बात मेरी समझ में आ गई, जब पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में आकर ये प्लस का 1/2 बन जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। ठीक है चलिए, ओके ओके। या फिर एक काम कर सकते हैं, सुनो इसको ऐसे नीचे मत लेकर आओ, यहां देखो यहां पर e की पावर रूट एक्स है, इसकी पावर 1 है, यहां e की पावर रूट एक्स की पावर -1/2 है, तो 1 -1/2 1/2 बन जाएगा, e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2, और यहां पर है 1/2 √x, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1/4 √x, और e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो e की पावर रूट एक्स का होल रूट, ये इसका आंसर है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट e की पावर रूट एक्स अपॉन 4 √x। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है जी, तो इतना करिए और एक्सरसाइज 5.4 करने की कोशिश करो, और प्लीज मेरे को होमवर्क भेजिए। देखिए होमवर्क कोई भी बच्चा नहीं भेज रहा है, गिनती के 2 या 3 बच्चे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने वही बोला था, वही 2-3 बच्चे होमवर्क भेजते हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप करो, बाद में नहीं तो सभी को दिक्कत होगी। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? तो वो मैंने पीडीएफ मतलब होमवर्क भेज दिया था, बट मैंने गलती से 5.4 भेज दी थी, सो मैंने कर ली थी 5.4। हाँ हाँ मैं बता तो रहा हूँ, वो जो कुछ बच्चे भेज रहे हैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो बेटा करिए प्लीज इसको कायदे से, आप नेक्स्ट क्लास फिर लेते हैं आपकी, और मेरी कोशिश है कि आपकी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी, ठीक है? तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, मैं संडे को आपकी नेक्स्ट क्लास ले सकता हूँ इसकी, ठीक है? चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।